हे यूटेक फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है निखिल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप यूटेक ऐप के अंदर जो पेट्रोल वाला ऑप्शन है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे। क्योंकि आपको पता है अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है चेंज हो चुका है। पहले आप लोग सिर्फ क्लिक करते थे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता था, लेकिन उसमें कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और इसी के चलते अब आप लोग रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक फॉर्म फिलअप करना है। तो उस फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं ये सब कुछ इस वीडियो में प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो चलो अब यहाँ से वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप यूटेक ऐप को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है पेट्रोल वाला, तो उस पर क्लिक करने के बाद ऑप्शन आपको शो होने वाले हैं। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन और एक ट्रांसफर। तो आप लोग जैसे रजिस्टर वाले पे क्लिक करते हो तो आपको इस तरह का फॉर्म अवेलेबल होने वाला है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा टाइटल के लिए, तो टाइटल में आप लोग मिस्टर मिसेस कुमारी इस तरह से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर दिए। अब सेलेक्ट करने के बाद आपसे नेम पूछ रहा है, तो आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है यूटेक में तो आप लोग दोनों में अपना फर्स्ट नेम डाल सकते हो। एंड इसके बाद अपना फोन नंबर, तो अपना फोन नंबर आप लोग एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट डालनी है आपको। और याद रहे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 18 साल प्लस होनी चाहिए, मतलब आपकी एज। और इसके बाद आपसे पूछ रहा है एड्रेस, तो एड्रेस 1 और एड्रेस 2 आप लोग फिलअप कर देना अपने अकॉर्डिंग। एंड इसके बाद सिटी और स्टेट हमसे पूछ रहा है, तो सिटी और हम लोग स्टेट हम लोगों ने सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हमसे पूछा जाता है डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट में बहुत से लोगों को इनवैलिड बताया जाता है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग फिर से वापस उसी चीज को डालना। एक बार वापस क्लिक करके उसी चीज को आप लोग टाइप करके डालना, बट फिर भी नहीं होता है तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर जयपुर डाल सकते हो। एंड इसके बाद जैसे एग्री करके सबमिट करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे आप लोग यूटेक पेट्रोल सर्विस में रजिस्ट्रेशन करके आगे की प्रोसेस को करोगे। वो पूरी डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों को मिल चुकी है, और इस तरह से आप लोग पूरी प्रोसेस को समझो और इसी तरह से आप लोग पेट्रोल सर्विस का यूज़ करो। सो आने वाली वीडियोस में आपको यही बताऊंगा कैसे आप लोग HP पे के माध्यम से QR कोड को स्कैन करके कैसे पेमेंट करोगे, उस पर भी मैं आपके लिए वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूं। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। और यूटेक से जुड़ी हर छोटी इंफॉर्मेशन इस चैनल पे आपको सबसे पहले मिल जाती है। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।